नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वोकल टीवी में और आपके साथ मैं हूँ आरती। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 जुलाई को जो है पूरा छत्तीसगढ़, जो कि धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है और इसी हरेली के पर्व में आज हम एक आपको एक ऐसी कहानी बोल सकते हैं या फिर एक ऐसी सीख से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनकी वाइफ ऐसा काम करती हैं जिस काम को मैं बताऊँ इससे पहले कि मैं चाहूँगी कि हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि उनकी वाइफ का, उनकी पत्नी का जो ये कार्य है जिनको हरियाली दीदी के नाम से ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में जाना जाता है, तो इसके पीछे क्या वजह है और क्या कुछ इसके पीछे खासियत है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू, प्रमुख वैज्ञानिक हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। और जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं कि मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा साहू, उन्होंने एक नवाचार किया कि जो शहरी क्षेत्र हैं जिनके घर में आंगन नहीं है या ज़मीन नहीं है बगीचा के लिए, किचन गार्डन के लिए, तो वो कैसे अपना शौक जो है जैविक तरीके से फल फूल साग सब्जी औषधि पौधे मसाले वाले पौधे इन सब की खेती अपने छत में अपने घर के बालकनी में सफलतापूर्वक कर सके। तो इन्होंने जो एक विचार जो उनके मन में आया था कि जो अधिकांश तौर पे जो किसान भाई हैं वो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो थोड़े बहुत रासायनिक दवाओं का उपयोग या रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में जो हमारे जो खुदरा विक्रेता हैं वो जो जब जैसे खासकर फलों की बात कहें अपन, चाहे केला हो, आम हो, पपीता हो, उसको सब वो रसायन से ट्रीट करके उसको पकाते हैं या उसमें चमकदार या उसके ज़्यादा दिन तक गुणवत्ता बने रहे ऐसा उसमें रसायन का उपयोग करते हैं, जो कि सीधा हमारे पेट में जाता है और जो अत्यंत हानिकारक हमारे स्वास्थ्य के लिए है। तो उनके मन में आया कि क्यों ना जो गृहिणियाँ हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे हैं, वो सब मिलके एक परिवार के रूप में यदि अपने घर में स्वयं थोड़े मात्रा में साग भाजी फल फूल इसका उत्पादन जैविक तरीके से करे तो वो निश्चित तौर पे घर के जो सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो पर्यावरण है उसके प्रदूषण में भी वो सुधार करने में योगदान देंगे। और जो आज के जो तनाव भरा युग है जहाँ एकाकी परिवार होते जा रहा है या आपस में आस पड़ोस में भी लोगों का संपर्क कम होता है, तो अपने घर में ही वो एक छोटा सा क्लीन होम, ग्रीन होम, घर घर ऑक्सीजन, इस कंसेप्ट के तहत वो अपने घर में ही एक छोटा सा सुकून भरा स्थान बना सकता है जहाँ उनको प्रतिदिन ताज़ी साग सब्जी और सीजनल जो फल हैं वो मिल सके। तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसको मैं तो ये मानूंगा कि मेरा सिर्फ एक प्रोत्साहन रहा कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। और जहाँ भी उनको अवसर मिला, खासकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के माध्यम से इनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और मुझे यहाँ बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ शासन ने जो इनका जो कार्य है उसको देखते हुए एक विशेष रूप से प्रोग्राम भी चलाया था जिसमें वो 2 वर्ष चला और आगे के लिए उसमें राशि का प्रावधान भी किया गया था। अभी कुछ वर्षों से वो कुछ कारणों से बंद होगा, उसकी मुझे विभागीय जानकारी नहीं है, लेकिन उस कार्यक्रम में जो एक वेजिटेबल ग्रोइंग किट ऐसा करके शासन ने बनाया था जिसकी कीमत 5,000 थी और उसको सब्सिडी कर, शासन की सब्सिडी और नगर निगम, 5 नगर निगम ने उसमें सब्सिडी दिया था, तो वो अंततः जो उपभोक्ता तक, जो शहरी हमारे लोग हैं उनके तक 500 रुपया में उपलब्ध होता था। तो एक बहुत ही अनूठा वो पहल था शासन का जिससे काफ़ी लोग जो छत की खेती को अपनाना शुरू किए। और ख़ासकर मैं यहाँ विशेष और उल्लेख करना चाहूँगा
कि हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका बहुत प्यार श्रीमती पुष्पा साहू, जिसको हरियाली दीदी के जैसे आपने बताया कि उनके ये भी नाम मीडिया द्वारा दिया गया है, तो उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला, आशीर्वाद मिला और बहुत ज़्यादा राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे इनका जो प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ। और इस मुझे अत्यंत खुशी होती थी कि ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि प्रदेश के अन्य देश के अन्य प्रदेशों से जब महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का फ़ोन आता था कि मैडम क्या हम भी अपने घर में आपके जैसे काम कर सकते हैं और हमें ये न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी मिली, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि एक छोटा सा पहल आज एक मसाल की तरह, एक लौ की तरह पूरे देश में उसका आलोक जो है, प्रकाश जो है, फैल रहा है। और 2013 से इन्होंने काम शुरू किया था, वो शुरू का मुझे याद है, हमारा छत बिल्कुल वीरान लगता था और आज आप देख रहे होंगे, आपने जाके देखा भी है कि आज पूरा एक छोटा सा बगीचा का रूप है, जिसमें खासकर इनका काम जो है फलदार वृक्षों का जो छत में उगाने का इनका जो प्रयोग था वो नवाचार बहुत ही अनूठा रहा। थोड़ी सी जानकारी पुरस्कारों को भी लेकर जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम आए और चारों तरफ जब हमने नज़र घुमाकर देखा तो चारों तरफ जो है पुरस्कारों का भंडार से लगा हुआ है, हर जगह पुरस्कार है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में चाहेंगे कि क्या क्या पुरस्कार से जो है पुष्पा जी को सम्मानित किया जा चुका है और किन किन स्टेजों पर उनको जो है सम्मान मिला है, उसके बारे में। मुझे तो काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी इनको, इनका जो नवाचार है छत में फलों की जैविक खेती, इस विषय पर अनेक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जो शुरुआत हुई थी वो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जो मेला लगा था वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद इनके नवाचार के कारण राज्य के जो हमारे विश्वविद्यालय, एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, उससे नवाचारी महिला सम्मान जो इनको मिला था, और धीरे धीरे अनेक संस्था के द्वारा सम्मान मिलते हुए इनको भारत सरकार के जो कृषि विभाग का सबसे बड़ा एक पुरस्कार है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, ये इनके द्वारा नवाचारी कृषक इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जो है 2017 में मिला, जो कि मेरे ख्याल से देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में से एक है। और उसमें माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के हाथों इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और उस पुरस्कार से पूरे देश में इनका काफ़ी नाम हुआ और इनके जो कार्य है उसको भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार किया कि इसको पूरे देश में एक मॉडल के रूप में, एक योजना के रूप में, कार्यक्रम के रूप में चलाया जा सकता है। तो अगर इसका सर्वे किया जाए, आंकड़ा निकाला जाए, तो आज छत्तीसगढ़ राज्य के हर शहरों में और शहर के अलावा कस्बा और गाँव में भी इनके कार्य से प्रभावित होकर लोग अपने घर के छत में जो फलों की खेती है, साग सब्जी की खेती है, फूलों की खेती है, उसको बड़े सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। जी जी जी। और एक बहुत ही अच्छा इनको अवसर मिला, वो जो कि मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी गौरव का विषय था कि छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र प्रतिभागी और वो भी महिला के रूप में इनको जो 2017 में एक अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल जो भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा कलकत्ता में विश्व बांग्ला का में हुआ था भवन में, उसमें इनको जहां कुछ गिने चुने देश के 5-6 लोगों को उस कृषि के जो सत्र है उसमें बोलने का अवसर मिला, इनको भी अपने छत में जो नवाचार इन्होंने किया था उसका विषय पे बोलने का अवसर मिला था, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर था जिससे इनके
कार्य को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और साथ ही इन्होंने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार है, सिंपोजियम है, कॉन्फ्रेंस है, कृषक मेला है, उसमें भी इन्होंने अपने जो अनुभव है, अपने जो कार्य है, उसको प्रस्तुत किया है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, विशेष करके हरेली के पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा खास कार्यक्रम जो है हरेली को लेकर किया जा रहा है, तो ऐसे में और भी ये दिन जो है खास हो जाता है क्योंकि हरेली का पर्व आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? हरेली तो निश्चित तौर पर मन में खुशहाली लाने वाला एक त्यौहार है और इसके जो मूल में यदि हम देखें तो ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमारे किसान भाई अपने खेती किसानी के मूल जो कठिन कार्य है, खेतों की जुताई करना, उसमें फसल लगाना, उन सब काम से निवृत्त होते हैं और इसमें खासकर हमारे जो पशुधन है उसमें बैल और जो भैंसा है उसका जो उपयोग करते हैं जुताई के लिए या बैलगाड़ी में, तो उनका जो अथक मेहनत रहता है, जो गर्मी में झुलसती हुई गर्मी में वो जो काम किए रहते हैं, तो उन सभी को एक सम्मान देने का अवसर होता है। और जो हमारे कृषि यंत्र जिसके मदद से वो धरती का सीना चीरते हुए उसको अपने खेत को तैयार करते हैं, उन सबको धो पोंछ कर साफ करके उसका त्यौहार के रूप में उसका पूजा करके एक मनाया जाता है। काफ़ी जैसे आपको गुलगुला है, मीठा है, ये सब बनाते हैं और नमकीन बना के खाते हैं और पूरे उत्साह पूर्वक पूरे राज्य भर के लोग इसको छोटे बड़े सब मिल के उत्सव मनाते हैं। और अब मुझे और खुशी हो रही है कि पहले त्यौहार सिर्फ किसान परिवार का था, आज पूरा राज्य का शहरी, ग्रामीण, अर्ध शहरी सभी क्षेत्र में बड़े उत्साह से लोग हरेली का त्यौहार मनाते हैं। मैं इस अवसर पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि चूँकि हमारे किसान भाई, महिला कृषक और अन्य सभी लोग जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो सब एक प्रकार से अपने कृषि कार्य से थोड़ा सा उनका बोझ कम हो जाता है, तो निश्चित तौर पे अपना जो रुझान है वो हम अपने जो आसपास के ज़मीन है, अपने जो कोला बाड़ी है, जो अपने किचन गार्डन है, उसमें वृक्षारोपण करें। अब वृक्षारोपण में मेरा सोच है कि वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, वेद पुराण के हिसाब से देखेंगे तो सभी ग्रहों का अलग अलग वृक्ष हैं, सभी राशियों के लिए अलग अलग वृक्ष का उन्होंने कल्पना की हुई है कि इस वृक्ष को लगाने से इस राशि वालों को ज़्यादा फायदा होगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी वनस्पति की जो एक प्रतीक के रूप में जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तुलसी, तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और कोई भी फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष वो उसका रोपण करें, तो निश्चित तौर पे अभी जो मौसम है, अभी भी हम बारिश चूँकि होते रहती है तो बरसात के चार महीना हमको पानी ज़्यादा देना नहीं पड़ता, हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं और एक दो साल तक थोड़ा सा उसका रख रखाव किया जाए, गर्मी के दिनों में खासकर थोड़ा पानी के प्रबंध किया जाए, तो हर घर के आसपास, हर गाँव में फलदार पौधों से, छायादार पौधों से पूरा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य हरियाली से घिरा हुआ नज़र आएगा। और वैसे भी हमारे वन क्षेत्र ज़्यादा हैं तो इससे और जो बचा हुआ क्षेत्र है वो भी हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल रहेगा, जो हमारे पूरे समाज को, हमारे नवयुवकों को, हमारे बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में सफल होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, और आने वाले समय में जब 17 जुलाई को हरेली है तो हरेली के भी आपको और आपके पूरे परिवार को वोकल टीवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं।